بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين افضل درود پاک نماز والا درود پاک درود ابراہیمی تمامی حضرات بلند آواز سے پڑھیں تاکہ مجلس مزید ببرکت ہو جائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا إلهي رحمك برما هما یا الہی رحمکن برما ہما عفوکن جملہ گناہ ما ہما ایچنی پیغمبر و سردار ما ربنا سلم و سلم دائما ہزار بار بشویم دہر بمشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال ادبیس محمد کی غلامی ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے ستاروں سے یہ کہہ دو اب کوچ کریں خورشید منور آتے ہیں قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں سلام اس ذات اقدس پر جو والد تھی یتیموں کی سلام اس روح انور پر جو حامی تھی غریبوں کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی
सलाम उस पर के जिसके घर ना चांदी थी ना सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को उबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसने सलाम उस पर के जिसने फजल के मोती बखेरे हैं, सलाम उस पर के जिसने बुरों को फरमाया ये मेरे हैं। हजरत मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाजरीन, दोस्तों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज तलबा, काबिल तकरीम व तहरीम हजरात, उलमाए किराम व ख़वातीन व हजरात, माएँ बहनें बेटियाँ, आज जुम्मतुल मुबारक, शान वाला दिन, आज़मतों वाला दिन, बरकतों रहमतों वाला दिन, जामिया मस्जिद सिद्दीकिया कोटली बागा गुजरांवाले का ये इलाका, आप हजरात दूर का नज़दीक का सफ़र करके तशरीफ़ लाए, वक्त को कुर्बान करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, मैं भी मुल्तान का लंबा सफ़र करके आप हजरात की मोहब्बत शौक़ ज़ौक, आपने फरमाया अपने वादे को पूरा करते हुए, कारी मोहम्मद रिजवान सरफराजी साहब हजरात की मेहनत कोशिश जद्दोजहद इब्तदान दुआ फरमाए, परवरदिगार आलम हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, कमा हक्कुहु बयान करने की अल्लाह पाक तौफीक नसीब फरमाए, जो सही हो उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुसलमानों, आज मैं क्या मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान आजमत बुलंदी मकाम बयान करूंगा, आप हजरात क्या सुन के जाओगे? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम आजमत बुलंदी शान रब्बुल आलमीन ने उस वक्त बयान फरमा दिया, बुलंदी मिल गई, शान मिल गई कि अभी जमीन न बनी थी, आसमान न बना था, चांद न था, सूरज न था, सितारे न थे, शजर हजर न थे, जमादात न थे, नबतात न थे, इंसान न थे, जिन न थे, फरिश्ते न थे, अभी कायनात का जर्रा भी बना, कोई नहीं वजूद में नहीं आया, लेकिन रब्बुल आलमीन ने पहले ही ऐलान फरमा दिया, वरफअना लका ज़िक्रक, महबूब अलैहिस्सलाम, रब्बुल आलमीन ने आप अलैहिस्सलाम की शान को, अजमत को, बुलंदी को, आपकी खत्म नबूवत को अल्लाह ने कायनात के बनने से पहले बुलंद फरमा दिया। इसलिए रब्बुल आलमीन ने कलामुल्लाह कुरान मजीद फरकान हमीद में ऐलान फरमा दिया कि वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। काली कमली वाले सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जमीन के बनने से पहले, आसमान के सजने से पहले, सूरज के बनने से पहले, दिन रात के बनने से पहले, और हवा के बनने से पहले, सुबह शाम बनने से पहले, बर्री मखलूकात बनने से पहले, बारी मखलूकात बनने से पहले, और सारी कायनात के वजूद में आने से पहले, रब्बुल आलमीन ने सुल्तानुल अंबिया, इमामुल अंबिया, महबूबे किबरिया, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सरदारी का ऐलान फरमा दिया। फरमाया दुनिया में रहने वालों, असल काम इमामुल अंबिया की शान बयान करना है, आजमत बयान करना है, बुलंदी बयान करना है, और महबूब अलैहिस्सलाम की शान
इतनी ज्यादा है। अल्लाह पाक दुनिया वालों को समझाना चाहते हैं, फरमाया कि सारी कायनात जमा होके अगर इमामुल अंबिया की शान बयान करना शुरू कर दे, चरिंद भी, परिंद भी, दरिंद भी, 18,000 मखलूकात भी, इंसान भी, सुबह से लेके शाम तक, इब्तदा से लेके इंतहा तक, सारी कायनात जमा होके मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सना खानी शुरू कर दे, सारी दुनिया की दरख्त कलमे बन जाए, सारी दुनिया का पानी स्याही बन जाए। लेकिन वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, इमामुल अंबिया की शान अजमत बुलंदी मकाम तो बयान करना दूर की बात है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक जुल्म मुबारक की भी, मुए मुबारक का, बाल मुबारक की भी कोई सनाखानी तारीफ का हक अदा नहीं कर सकता। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जब मैं परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की शान बयान फरमाना चाही, तारीफ बयान फरमाना चाही, बुलंदी बयान फरमाना चाही, वो अल्लाह जिसने कुन कह के कायनात को बना दिया, इदा कज़ा अमरन फइन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून। रब्बुल आलमीन जब भी किसी काम का इरादा फरमाते हैं, इरशादे खुदाबंदी होता है, हो जा, बस वो काम हो जाया करता है। और दुनिया वालों, दिक्कतें तुम्हारे लिए, मुश्किलात तुम्हारे लिए, नामुमकिनात तुम्हारे लिए, मोहताजियां तुम्हारे लिए, लेबर की जरूरत तुम्हें पड़ती है, फौज की जरूरत तुम्हें पड़ती है, पुलिस की जरूरत तुम्हें पड़ती है, जमात की जरूरत तुम्हें पड़ती है, मटीरियल की जरूरत तुम्हें पड़ती है, मैं परवरदिगार आलम तो तमाम की तमाम चीजों से पाक हूं। फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैही तुरजऊन, मैं परवरदिगार आलम तो इन तमाम की तमाम चीजों से पाक हूं, दिक्कतों से पाक हूं, मोहताजियों से पाक हूं, नामुमकिनात से पाक हूं। मैं परवरदिगार आलम जब भी किसी काम का इरादा फरमाता हूं, इरशादे खुदाबंदी होता है, हो जा, बस वो काम हो जाया करता है। लेकिन मैं परवरदिगार आलम ने जब इमामुल अंबिया की शान बयान फरमाना चाहिए, आजमत बयान फरमाना चाहिए, रब्बुल आलमीन समझाना चाहते हैं, इमामुल अंबिया की शान में अल्लाह का कुरान करीम आया, कभी वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, कभी अलम नशरह लक सदरक, कभी माज़ा गल बसर, कभी शफ़तैन, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दसिर। इमामुल अंबिया की तारीख में सनाखानी में अल्लाह का कुरान आया, एक दिन में कुरान करीम नाजिल नहीं हुआ, एक दिन में अल्लाह का कुरान नहीं आया, कुरान बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होते होते, नाजिल फरमाते फरमाते, परवरदिगार आलम जो खालिक है, मालिक है, राजिक है, कहार भी है, जब्बार भी है, सत्तार भी है, अल्लामुल गुयूब भी है, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी महबूब अली सलातु वसलाम की शान बयान फरमाते फरमाते रब्बुल आलमीन को भी 23 बरस लग गए। हर जमाना इमामुल अंबिया का है, हर नबी का जमाना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाना है। आलम अरवा में रब्बुल आलमीन ने नबियों की जमात को जमा फरमाया, रूहों को जमा फरमाया, फरमाया के वा इज अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबियीन, सारे कह दें सुभान अल्लाह, पीछे वाले हजरात भी कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने से गुनाह माफ हो जाते हैं। आज मस्जिद में आने का मकसद भी यही है, जुमे का दिन, बख्शिश का दिन, मगफिरत का दिन, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का दिन। तो मकसद ये है कि अल्लाह पाक हम सब की खताओं को माफ फरमाए, हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए। सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लग जाते हैं, 150 दरख्त लग जाएंगे हमारे, जब दरख्त जन्नत में होंगे मुसलमानों, कोटली बागा के मुसलमानों, अल्लाह पाक कल क़यामत के दिन फिर हमें जन्नत का दाखला अता फरमाएंगे कि इनके जन्नत में बागात हैं, फिर जन्नत में जाने से हमें कोई नहीं रोक सकेगा। इस नियत से कह दें सुभान अल्लाह।
आलमे अरवा में रब्बुल आलमीन ने हजरात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूहों को जमा फरमा लिया। फरमाया के वइज अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माकुम लतुमिनुन बिही वलतंसुरुन क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना माकुम मिन अश्शाहिदीन। माशाल्लाह, अब हम कुरान सुनने के काबिल नहीं रहे, आदि नहीं रहे ना, किससे कहानियां सुनने के आदि हैं, डोड़े माइये हैं, वो हमें सुनाते हैं, हम बड़े खुश होते हैं। तो जब कुरान पढ़ा जाए जोर से कह दे सुभान अल्लाह। आलम अरवा में रब्बुल आलमीन ने हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमा फरमाया। मकसद क्या है? इमामुल अंबिया की शान बयान करना है, बुलंदी बयान करना है, खत्मे नबुवत का ऐलान करना है। ओ आदम अली सलातु वसलाम, शीश अली सलातु वसलाम, याया अली सलातु वसलाम, ज़िक्रिया अली सलातु वसलाम, इदरीस अली सलातु वसलाम, खलीलुल्लाह, ज़बीहुल्लाह, नूनजीउल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, और दुनिया में जाओगे, नबी बन के जाओगे, पैगम्बर बन के जाओगे, रसूल बन के जाओगे, अल्लाह के नुमाइंदे बन के जाओगे, जहां रब्बुल आलमीन की तौहीद यकताई का ऐलान करोगे, जरूरी काम ये है, लतुमिनुन्ना बिही वलतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना माकुम मिनश्शाहिदीन। हर हर नबी अपनी कौम को ऐलान करेगा, हर बंदे को समझाएगा, ऐलान करेगा, लोगों नबी हमें, पैगंबर हमें, रसूल हमें, अल्लाह के नुमाइंदे हम बन के आए। लेकिन इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत का ऐलान करने के लिए आए हैं। हर जमाना हमारे नबी का जमाना, हर नबी ने यही ऐलान किया, हर पैगंबर ने यही ऐलान किया, हर रसूल ने यही ऐलान किया। जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए, अल्लाह का कुरान गवाही देता है, जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को ऐलान कर दिया, व मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ओ लोगो, रूहुल्ला में बन के आया, अल्लाह का नबी बन के आया, अल्लाह ने बगैर बाप के मुझे पैदा फरमाया, अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया, लेकिन आखिर उस जमा नबी सुल्तानुल अंबिया अफसरुल अंबिया शाफिये माशर साकिये कौसर जनाबे मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत के बिशारत लेके आया, खुशखबरी लेके आया। वो तशरीफ लाने वाले हैं जिनका नामे नामी इसमें ग्रामी अहमद मुज्तबा होगा। हर जहान में परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की अजमतें बयान फरमाई, बुलंदी बयान फरमाई, शान बयान फरमाई, मकाम बयान फरमा दिया। इंसानियत की इब्तिदा हुई, रब्बुल आलमीन ने वहां भी अपने महबूब की शान बयान फरमा दी। जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब परवरदिगार आलम ने मेरे अंदर रूह को फूंका, मैंने दुनिया में आँख खोली, पहली मरतबा यूं नजर की, पहली मरतबा यूं दुनिया में देखा, अल्लाह रब्बुल इज्जतकार से अज़ीम मेरी निगाहों के सामने मौजूद था और लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तेरे सिवा महबूब हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। तेरे सिवा मशहूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। अब तो रहे बस्ता दम आखर विरदे जुबा, आए मेरे इला ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह पाक चाहे जबरदस्ती भी कलमा पढ़वा सकते हैं, पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो एक मौली साहब बयान कर रहे थे ना, तो मौली साहब ने बयान में कहा कि अल्लाह चाहे तो जबरदस्ती खिला भी सकते हैं, अल्लाह जबरदस्ती अपने बंदों को खिला भी सकते हैं। एक बंदा जो अपने आप को बड़ा मजबूत और तकड़ा समझता था, वो कहने लगा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह मुझे कैसे खिला सकते हैं, मैं नहीं खाऊंगा, अल्लाह मुझे खिला के दिखाए। होते हैं ना कई बंदे ऐसे। अब उसने भूख हड़ताल शुरू कर दी, घर गया, वालदा ने कहा बेटा खाना खा, उसने कहा अम्मा तंग ना कर, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं देखना चाहता हूं अल्लाह मुझे कैसे खिलाता है। अम्मा से तंग आके जंगल में चला गया कि वहां मुझे कोई कहने वाला ही नहीं होगा। वालदा को पता चला फलां जगह मेरा बेटा मौजूद है, भूखा है, ताजा खाना बना के लेके गई। उसने कहा अम्मा तंग ना कर, सर ना खा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अम्मा ने कहा अच्छा बेटा ये खाना पड़ा है, भूख लगे खा लेना, ये सोया पड़ा है, खाना भी वहां पड़ा है। अल्लाह ने वहां डाकुओं को भेजा, डाकू आए, उन्होंने कहा खाना भी बड़ा ताजा है, भूख भी लगी है, इसमें कोई मुजिर जहर ना मिलाया हो। उस बंदे को उठा कहते हैं खाना खा, वो आखदा मैं नहीं खाना, वो खा, वो कहता है मैंने नहीं खाना। उन्होंने डंडे लगाए, खल्ले लगाए, पिटाई की, खाना भी खिलाया। खाना खाने के बाद दौड़ता दौड़ता मौली साहब के पास आया, मौली साहब मसला ते पूरा दस्या करो, पूरा मसला बताया करो कि अगर अल्लाह चाहे तो डंडे मार मार के भी खिलाते हैं। हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने जबरदस्ती मुसलमान बना दिया ना, मुसलमानों के घरों में पैदा हो गए, इस्लाम वाले घरों में पैदा हो गए, लेकिन इस्लाम वाला काम कोई नहीं। जनाबे आदम अली सलातु वसलाम की पसली से रब्बुल आलमीन ने जनाबे हव्वा को औरत को पैदा फरमा दिया, जन्नत का बसेरा है। जनाबे आदम अली सलातु वसलाम ने जनाबे हव्वा को देखा, औरत को देखा, अर्ज कर दिया मेरे अल्लाह ये क्या चीज है। इरशादे खुदाबंदी हुआ ये औरत है, आपके लिए पैदा की गई है, मेरे अल्लाह जब मेरे लिए बनाई गई है इसे लम्स कर लूं, छू लूं, पकड़ के देख लूं, हाथ लगा के देखूं औरत होती कैसी है। इरशादे खुदाबंदी हुआ आदम बेशक आपके लिए पैदा की गई है, आप अबुल बशर हो, ये उम्मुल बशर है, आप पूरी कायनात इंसान इंसानियत के अब्बा हो, ये पूरी कायनात इंसानियत की अम्मा है, आदमियत की, बशरियत की, इंसानियत की इब्तदा हो रही है। ओ आदम इंसानों के लिए उसूल है, जानवरों के लिए कोई उसूल नहीं। अल्लाह पाक इंसानों ने कहा इंसान इंसानियत को इंसानियत का सबक सिखा रही है, जो इंसान आज तक सीखा कोई नहीं, इतना अरसा गुजर गया तब भी इंसानियत का सबक नहीं सीखा। एमफिल करने के बाद ना सीखे, एमएससी करने के बाद ना सीखे, प्रोफेसर बनने के बाद ना सीखे, टीचर बनने के बाद ना सीखे, उस्ताद बनने के बाद ना सीखे, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो गए, बड़े बड़े अफसर बन गए, मालदार बन गए, बड़े बड़े माल वाले बन गए, लेकिन इंसानियत न सीखी। और देख लो कॉलेजों में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है, गलियों में क्या हो रहा है, मोहल्लों में क्या हो रहा है, इलाकों में क्या हो रहा है, देहातों में क्या हो रहा है, शहरों में क्या हो रहा है, कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। अल्लाह पाक इंसानों को इंसान होने का शऊर सिखा रही है। फरमाया के आदम इंसानियत के लिए उसूल है, गाय भैंस के लिए कोई उसूल नहीं, बकरे छतरे के लिए कोई उसूल नहीं, मुर्गे के लिए कोई उसूल नहीं, तोता मैना के लिए कोई उसूल नहीं, मछली के लिए कोई उसूल नहीं, सांप बिच्छू के लिए कोई उसूल नहीं, सिर्फ इंसान है, अशरफुल मखलूकात में से है। आज अशरफुल मखलूकात की इब्तदा हो रही है, इंसानियत की इब्तदा हो रही है। उसूल ये है पहले इनका हक महर अदा करो, फिर हाथ लगाने की, पकड़ने की, छूने की इजाजत मिल जाएगी।
हमारे यहाँ शादियों पे बड़े बड़े माल खर्च किए जाते हैं, रंडीबाजी में खर्च कर दिए जाते हैं, बेहयाई में खर्च कर दिए जाते हैं, शराब नोशी नशे आवर चीजों में खर्च कर दिए जाते हैं, रस्म रिवाज पे खर्च कर दिए जाते हैं। लेकिन हक महर की बात आए, कहते हैं जी कितना हक महर होना चाहिए, और देना तो तूने अपनी बीवी को है, तेरे घर जाना है। मुसलमानों, कोटली बागा के मुसलमानों, ख्याल करो, जिस माई बीबी का हक महर अदा ना किया गया हो, बच्चे नमाजी कैसे बनेंगे, रोजे वाले कैसे बनेंगे, इस्लाम वाले कैसे बनेंगे, इमामुल अंबिया के गुलाम कैसे बनेंगे, सहाबा अहले बैत के गुलाम कैसे बनेंगे। लेकिन अल्लाह पाक इंसानों को इंसान होने का शऊर सिखा रही है, फरमाया आदम पहले इनका हक महर अदा करो, फिर हाथ लगाने की, पकड़ने की, छूने की इजाजत मिल जाएगी। मेरे अल्लाह ये तो बड़ा आसान है, जन्नत के महल्लात मौजूद हैं, बागात मौजूद हैं, हूरो गिलमान मौजूद हैं, शराबन तहूरा की नहरें मौजूद हैं, दूध की नहरें मौजूद हैं, बड़े बड़े इनामात मौजूद हैं, रब्बे करीम कौन सी शय पेश कर दो। फरमाया के आदम ये तो जन्नत के इनामात हैं, और दुनिया की मिसाल तो अल्लाह की बारगाह में एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। दुनिया बनेगी, दुनिया में माइयों बीबियों का हक महर, किसी का डॉलर बनेगा, पाउंड हक महर बनेगा, पैसा हक महर बनेगा, जमीन जायदाद हक महर बनेगी, लेकिन दुनिया की मिसाल तो अल्लाह की बारगाह में एक मच्छर के पर के बराबर भी कोई नहीं। आप कहोगे जी आप कैसी बात कर रहे हो, और दुनिया की तो बड़ी कीमत है, डॉलर की बड़ी कीमत है, पाउंड की बड़ी कीमत है, रियाल की बड़ी कीमत है, पैसे की बड़ी कीमत है, सोना बड़ा महंगा है, चांदी बड़ी महंगी है, और कब्रिस्तान में सारा माल उठा के ले जाओ, मुर्दों से कहो ये पैसा ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, हीरे जवाहरात ले लो, रियाल डॉलर पाउंड ले लो, और मुर्दे कहेंगे, मैयतें कहेंगी हमारे किस काम की हैं, इधर आती है, घर वाले कपड़े भी उतार लेते हैं, कफन में जेब कोई नहीं, कब्र में अलमारी कोई नहीं। अल्लाह पाक अपने बंदों को यही तो समझाना चाहते हैं, फरमाया ओ दुनिया वालों, ओ दुनिया पे मरने वालों, ओ दुनिया पे कुर्बान होने वालों, दुनिया के लिए इमामुल अंबिया की गुलामी को छोड़ने वालों, नमाजों को कजा करने वालों, रोजों को छोड़ने वालों, माँ बाप की बेअदबी करने वालों, मस्जिदों से दूर भागने वालों, कुरान करीम से दूर भागने वालों, और जिस दुनिया के लिए तुम मारे मारे फिरते हो, ये दौलत किसी काम कि नहीं। मर के तो देखो, इधर आंख बंद होगी, तेरे कपड़े भी बेवफा, मोबाइल भी बेवफा, जमीन जायदाद भी बेवफा, सब कुछ छीन लिया जाएगा। अल्लाह पाक यही तो समझाना चाहते हैं, फरमाया बंदो दुनिया की मिसाल अल्लाह की बारगाह में एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं, ये तो जन्नत के इनामात हैं। रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया आदम आज जन्नत के महल्लात भी कबूल कोई नहीं, बागात भी कबूल कोई नहीं, इनामात भी कबूल कोई नहीं, शराब तहूरा की नहरों की भी जरूरत कोई नहीं, दूध की नहरों की भी जरूरत कोई नहीं। ओ आदम आज इंसानियत की इब्तदा हो रही है, बशरियत की इब्तदा हो रही है, आदमियत की इब्तदा हो रही है। अगर यहां मेरे महबूब की शान बयान न हो, आजमत बयान न हो, बुलंदी बयान न हो, मकाम बयान न हो, मेरे महबूब का जिक्र खैर ना हो, ओ आदम फिर इंसानियत को बनाने का फायदा क्या हुआ। मुझे कसम है अपनी किबरियाई की, अगर मैं परवरदिगार आलम अपने प्यारे महबूब अली सलाम की जात अक़दस को ना बनाता, ना जमीन बनाता, ना आसमान को सजाता, इमामुल अंबिया के रहमत वाले कदम मुबारक से उड़ी हुई खाक के सदके में परवरदिगारे आलम ने कायनात को वजूद अता फरमा दिया, ओ आदम जरूरत इस बात की है तुम्हारा हक महर भी अदा हो जाए, मेरे महबूब की शान भी बयान हो जाए, अजमत भी बयान हो जाए, बुलंदी भी बयान हो जाए, मकाम भी बयान हो जाए। यहाँ पे खड़े होके मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते अक्दस पे दरूद पाक पढ़ दो, तुम्हारा हक महर अदा हो जाएगा। माशाल्लाह जी, अब पता चला ना, तो कई बंदे कहते हैं जी मौलवी एवं नारा लांदे ने,
पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन साहब मद्दज़िल्लुल आली लाहौर वाले, जिनके बारे में हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्ला अलैह मेरी बिरादरी का जवान फरमाया करते थे कि जिसने दुनिया में जन्नती आदमी को देखना हो वो मुफ्ती हसन साहब को देख ले, जिसने दुनिया में जन्नती शख्स का दीदार करना हो वो मुफ्ती हसन साहब को देख ले। शेखुल तफसीर, शेखुल हदीस, बड़े बड़े उलमा के पीर मुर्शद, मेरे भी पीर मुर्शद हैं। हजरत फरमाते हैं कि अगर जिसने अपनी जिंदगी में, जिस मुसलमान ने भी अपनी जिंदगी में एक मरतबा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत का नारा लगाया, अल्लाह पाक ऐसे मुसलमान को कल कयामत के दिन जरूर जन्नत का दाखला अता फरमाएंगे। चे जाए के पुरफितन दौर, जब लोग हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत पे डाका डालने वाले हो, इलेक्शन होता तो हम कहते हैं हम फलां के फलां के फलां के, कभी ये भी कह दिया करो हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हमारी निस्बत मदीने वाली सरकार, मक्के की सरकार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अकदस से है। मकाम तो पहले ही बुलंद है, शान पहले ही बुलंद है। बयान करने का मकसद ये है जिनकी जुबान पे, जिस इस जुबान पे रहमतुल्लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी आएगा, जिक्र खैर आएगा, जिक्र की वजह से अल्लाह पाक उन मुसलमानों को भी निस्बत अता फरमा के, गुलामी अता फरमा के अल्लाह पाक उनको भी बुलंद मकाम अता फरमा दे। मकसद क्या, पता चले मकाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है क्या। आज इसलिए हम अदब एहतराम नहीं करते, हमें मकाम का ही पता नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है, अजमत क्या है, बुलंदी क्या है, अल्लाह ने किस नबी का उम्मती बनाया। बस नेट पे बैठ के कहते हैं यहूदी चंगे, गैर मुस्लिम चंगे, हिंदू चंगे, वो अल्लाह ने तेनू मुसलमान बनाया, अल्लाह ने हमें हुजूर का गुलाम बनाया, कुरान वाला बनाया, मस्जिद वाला बनाया, मदरसे वाला बनाया, वुजू वाला बनाया, हक महर वाला बनाया, ओ अल्लाह ने हमें इस्लाम वाला बनाया, मक्के वाला बनाया, मदीने वाला बनाया, बैतुल्ला वाला बनाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अतहर पे हाजिर होने वाला बनाया। और कितने बड़े बड़े इनामात अल्लाह ने मुसलमानों को अता फरमाए और कभी कदर ना की, हुजूर अली सलातो सलाम के नामे नामी इसमें गिरामी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अदब है, एहतराम है। सीखा नहीं, कभी पढ़ा नहीं, देखा नहीं, सीखने के कभी करीब ना गए। पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत अल्लामा पीर ज़ुल्फ़िकार साहब मद्दज़िल्लुल आली फरमाते हैं, मैं बच्चा था, पढ़ता था, क्लास में टीचर ने, उस्ताद ने पूछा, बेटा आपको क्या हमारे नबी का नाम आता है। फरमाया मैं खामोश रहा, उस्ताद ने डंडे लगाए, पिटाई की, इतना आसान सवाल मैंने कि आपको नहीं आता, तन्हाई में पूछा तो अर्ज कर दिया उस्ताद जी आता है, बतलाया क्यों नहीं। फरमाया कि मैंने कभी बगैर वुजू के इमामुल अंबिया का नामे नामी इसमें गिरामी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान से अदा नहीं किया, मेरा वुजू ना था, बगैर वुजू के मैं हुजूर का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाया करता। अब ये तो बड़ों को पता नहीं, बच्चों को हम क्या सिखाएंगे, माइयों बीबियों को हम क्या तालीम देंगे, घर वालों को क्या बताएंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है, शान क्या है, अजमत क्या है, बुलंदी क्या है, मकाम क्या है। शान वाले नबी को, अजमतों वाले नबी को रब्बुल आलमीन ने शान के साथ दुनिया में मबऊस फरमाया।
আমাদের রাসূল ও রহি হ্যায় ইমামুল আম্বিয়া কি তশরীফ আবরি ও রহি হ্যায় সাইয়্যেদা আমনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ফরমাতি হ্যায় ইধর মদনী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা নূরে নবুয়ত মেরে শিকম মে পরবরদিগার আলম নে মুনতাকিল ফরমায়া বরকতো কা নুজুল হো গয়া রহমতো কা নুজুল হো গয়া সাইয়্যেদা ফরমাতি হ্যায় রব্বুল আলামিন নে সারে মক্কা মুকরমা কো মুআত্তর ফরমা দিয়া। सैयदा आमना के घर से खुशबू आती है, कमरे से खुशबू आती है, सहन वेड़े से खुशबू आया करती है, गलियां मुअत्तर हैं, इलाका मुअत्तर है, सारे मक्का मुकर्मा से रब्बुल आलमीन ने बड़ी कीमती खुशबू को का नुजूल फरमा दिया, जहूर फरमा दिया, हर तरफ से खुशबू आया करती है। मक्का मुकर्मा के लोग बड़े परेशान हैं, दौड़े दौड़े जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास आए, आके अर्ज करने लगे, ओ सरदार मक्का, आपके घर से इतनी शान वाली खुशबू आया करती है, अजमतों वाली खुशबू है, बुलंदियों वाली खुशबू है, अरब में खुशबू का बड़ा दस्तूर है, बड़ी कीमती खुशबू इस्तेमाल की जाती है। अरब के लोग कहने लगे, मक्का मुकर्मा के लोग कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, यह खुशबू हमें यमन में नहीं मिली, मिस्र में नहीं मिली, शाम में नहीं मिली, अरब आजम में नहीं मिली, जरा पता पतला यह खुशबू कहां से आया करती है, किस दुकान से मिली, कौन सी मार्केट में इस खुशबू का वजूद पाया जाता है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब पता लगाने के लिए घर तशरीफ लाए हैं। सैयदा आमना अमन वाली बीबी हैं, शान वाली बीबी हैं, अजमतों वाली माई हैं, और दुनिया में बड़ी बड़ी हसीन औरतें होंगी, पढ़ी लिखी माइयाँ बीबियाँ होंगी, बड़ी जहीन माइयाँ बीबी होंगी, एमफिल करने वाली भी हैं, डॉक्टर भी हैं, मेडिकल पास करने वाली भी हैं, बड़ी बड़ी मलकाएँ शहजादियाँ हैं। रब्बे कायनात की कसम है, इन तमाम की तमाम खवातीन को जमा करके रहमतुल्लिल आलमीन जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वालदा माजदा सैयदा ना सल्लमा अलिया के कदम मुबारक से उड़ी हुई खाक का भी कोई माई मुकाबला नहीं कर सकती। अम्मा बनाने के लिए, वालदा मोहतरमा बनाने के लिए रब्बुल आलमीन को सारे कायनात में सैयदा आमना पसंद आ गई, शान वाली बन गई, अजमतों वाली बन गई, निस्बत की वजह से बुलंदी मिल गई, मकाम मिल गया। सैयदा आमना से जनाब अब्दुल मुत्तलिब सवाल कर रहे हैं, जरूरत क्या है, बेवा बहू और बेवा नो, तुझे जरूरत क्या है, इतनी आला किस्म की खुशबू क्यों इस्तेमाल किया करती है, गलियां मुअत्तर है, मोहल्ला मुअत्तर है, इलाका मुअत्तर है, अल्लाह ने मुलंबिया की दादी अम्मा को भेजा, आके रस करने लगी, अब्दुल मुत्तलिब क्या सवाल कर रहे हो, पहले सैयदा आमना खुशबू इस्तेमाल किया करती थी, इसके बदन से खुशबू आती थी, कपड़ों से खुशबू आती थी, गुसलखाने से खुशबू आती थी, कमरे से खुशबू आती थी, सहन वेड़े से खुशबू आती थी, आप सैयदा आमना से यह भी तो सवाल करो, इन्होंने आतर पिया कहां से है। रब्बे कायनात की कसम है, जहां सैयदा आमना लुआब डालती है, थूकती है, वहां से भी खुशबू आया करती है। जनाब सैयदा आमना ने अर्ज कर दिया, अब्दुल मुत्तलिब, आप भी, मक्का के लोग भी, दादी अम्मा भी, इलाके के लोग भी सिर्फ खुशबू के बारे में जानते हो, यहाँ सारी कायनात मेरी खादिम बनी हुई है, नौकर बनी हुई है, गुलाम बनी हुई है। अब्दुल मुत्तलिब, आसमान मुझे सलाम करता है, चांद मुझे सलाम करता है, सितारे मुझे सलाम करते हैं, बागो बहार मुझे सलाम किया करते हैं। ओ अब्दुल मुत्तलिब, कोई भी मैं काम करने का इरादा करूँ, मेरा काम खुद ब खुद हो जाता है, यहाँ तक के पानी भरने के लिए कुएं के करीब जाऊं, डोल डालने की जरूरत नहीं पड़ती, रस्सा डालने की जरूरत नहीं पड़ती, पानी खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही सैयदा आमना फरमाती है, मेरे कदम, मेरे पांव, मेरे पैर कुएं के मंडेर पे पड़ते हैं, कुएं में उबाल आ जाता है, उबाल आ जाता है, कुएं का पानी खुद ब खुद उबल के मेरे कदमों को चूम लेता है। अब्दुल मुत्तलिब, गर्मी का मौसम हो, बादल मुझ पे साया किया करता है, मैं सो जाती हूँ, जन्नत की हूरियाँ आके मुझे पंखा चला करती हैं, खाम में जनाबे मरियम आती हैं, जनाबे आसिया आती हैं, हजरत अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाया करती हैं, मुझे खुशखबरियाँ सुनाया करती हैं, मेरे कदमों के नीचे पत्थर आ जाए वो बिल्कुल नरम हो के फूल बन जाता है। अब्दुल मुत्तलिब, कौन सी खुशबू की बात कर रहे हो, लेकिन मैं तो कभी बाजार गई कोई नहीं, जमाने जाहिलियत है, अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया,
अभी अल्लाह का कुरान नहीं आया, लेकिन इमामुल अंबिया का सिलसिला नबुवत देखो कितना पाकीजा सिलसिला नबुवत है। शजरा नसब देखो कितना पाकीजा है। सैयदा आमना फरमा रही है, अब्दुल मुत्तलिब आपने मुझे कभी बाजार देखा नहीं, मैं कभी बाजार गई नहीं, यमन नहीं गई, मिसर नहीं गई, शाम नहीं गई, अरब आजम का सफर नहीं किया, मैंने कभी खुशबू देखी नहीं, लगाई नहीं, मंगवाई नहीं, इस्तेमाल की नहीं। सैयदा आमना बात क्या है, फरमा दिया ना मैं लाई ना आप लाए, ये दुकान की मार्केट की किसी अरब आजम की खुशबू है ही कोई नहीं। शिकम पे पेट पे हाथ रख के अर्ज कर दिया, ऐसा मालूम होता है इस आने वाले मेहमान की बरकत है। माशाल्लाह आप तमाम हजरात भी जिंदाबाद, माशाल्लाह नारोवाल से भी माशाल्लाह हमारे साथी मोहब्बत दूर का सफर करके बेचारे वो तशरीफ लाए हैं भाई रहमान साहब, तो बड़ी मोहब्बत के साथ आप तशरीफ लाए हैं। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुसलमानों वो खुशबू खत्म नहीं हुई, वो खुशबू खत्म नहीं हुई। जरा याद दिला दूं नमाजियों से कुरान वालों से, हम मुसलमानों के घरों से यहां तक के कब्रस्तान से भी दुनिया में ही जन्नत की खुशबू आ रही है। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने सारी जिंदगी मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत के पहरेदारी में गुजार दी, आधी जेल में गुजारी आधी रेल में गुजार दी, कह दो सुभान अल्लाह। ये खत्मे नबूवत वाला मामला बड़ा मुश्किल है, हाँ उलमाए हक्का ने मेहनत की है, कोशिश की है, इस पे जद्दोजहद की है, ऐसा पैरा दिया है। उनके शहजादे अबू जर बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिनके बारे में शाह साहब फरमाया करते थे कि खतीब आजम तो मैं हूं, अल्लाह ने ये फन तो मुझे अता फरमाया, लेकिन इलम का समंदर मेरा बेटा अबू जर बुखारी है। हजरत का मुल्तान में इंतकाल हुआ, 29 साल गुजरने के बाद अब इन बारिशों में हजरत की कब्र बैठ गई। जब खोली गई नेट पे फेसबुक पे आपने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक अपने बंदों को दिखाना चाहते हैं कि जो लोग कहते थे कि ये सारा दीन इस्लाम मौलवियों का बनाया हुआ दीन है, ये मौलवी यूं ही धोखा देते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, अल्लाह पाक सब कुछ बेयकीनी का दौर है लोगों का, आज अल्लाह पाक पुरफितन दौर में दिखाना चाहते हैं कि देखो झूठ नहीं, इस्लाम झूठ नहीं, कुरान सच्चा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सच्चा है। जिन लोगों ने अमल किया 29 साल गुजरने के बाद लोगों की तो हड्डियां नजर नहीं आती, हजरत का जिस्म भी सही सालिम मौजूद था, कफन भी सही सालिम मौजूद था, और जन्नत से आज भी दुनिया में ही हजरत की कब्र से दुनिया में ही जन्नत की खुशबू आ रही है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से दुनिया में ही जन्नत की खुशबू आ रही है। कुतुबे आलम मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह मेरे अब्बा जी कारी नीम साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शद भी हैं, तफसीर के उस्ताद भी हैं, कुरान करीम की तफसीर हजरत ने उनसे पढ़ी थी। लेकिन आओ लाहौर में चले जाओ, इतना अरसा गुजरने के बाद भी आज भी हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से दुनिया में ही जन्नत की खुशबू आ रही है। सैयद अमीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मखदूमपुर पावड़ा जिला खाने वाले, हजरत की कब्र से आज भी दुनिया में ही जन्नत की खुशबू आ रही है। रेमिड चले जाओ, हाजी अब्दुल वहाब साहब की कब्र से आज भी दुनिया में ही जन्नत की खुशबू आ रही है। जामिया अफसा के तुलबा तालिबात की कब्रों से आज भी दुनिया में ही जन्नत की खुशबू आ रही है। जितने भी उलमा तुलबा नमाजी लोग मुसलमान कुरान वाले इमामुल अंबिया की गुलामी करने वाले ताबेदारी करने वाले
जितने भी मुसलमान दुनिया से रुखसत हो रही हैं, सबकी कब्रों से दुनिया में ही जन्नत की खुशबू आ रही है। चुनाचे मलंगों की कब्र से जन्नत की खुशबू नहीं आती, नाचने वालों की कब्र से नहीं आती, ढोल बजाने वालों की कब्र से नहीं आती, तमाशा करने वालों की कब्र से दुनिया में जन्नत की खुशबू नहीं आती। ये तो इस्लाम वालों की शान है, हुजूर अली सलातु वसलाम की गुलामी करने वाले, साहबे बैत की गुलामी करने वाले, इमामुल अंबिया की खत्म नबूवत की पहरेदारी करने वाले, जिनके दिलों में इमामुल अंबिया का अदब मौजूद हो, एहतराम मौजूद हो, इमामुल अंबिया की गुलामी ताबे दारी मौजूद हो, उनकी दुनिया से भी जन्नत की खुशबू आती है, उनकी कब्रों से भी दुनिया में ही जन्नत की खुशबू आया करती है। अरब का दस्तूर था, दाइयां आती थी, बच्चों को ले जाती थी, कभी कहो कानिफ का बेटा आया था, मिलाद सुना के नहीं गया, आपको मिलाद सुना के जाऊं। हम भी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। लोग कहते हैं दाइये आई थी हुजूर अली सलातो सलाम को यतीम समझ के छोड़ गई, ये बेअदबी वाले अल्फाज होते हैं। हुजूर ने उन दाइयों को पसंद ही नहीं फरमाया। जिस नबी का इतना बड़ा मकाम हो तो बनू साद के उन दाइयों का कि क्या जरूरत है कि वो ये कह के छोड़ जाएं कि ये यतीम है। असल बात यह है कि अल्लाह ने दाई बनाने के लिए, पालने के लिए, दूध पिलाने के लिए सैयदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इमामुल अंबिया के लिए मुंतखब किया है, पसंद फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारे देहातों में, शहरों में, गांवों में, पिंडों में, शहरों में चले जाओ, आमना के नाम की माइयाँ भी मिलती हैं, हलीमा के नाम की माइयाँ भी मिलती हैं। मकसद क्या है कि हमें सैयदा आमना से भी प्यार है, सैयदा हलीमा से भी प्यार है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। सैयदा हलीमा दरबारे सालत में आई हैं, आमना अपने लाल का दीदार तो कराओ, अपना लाल तो दिखाओ है कैसा। सैयदा फरमाती है मैंने इशारा कर दिया, वो सफेद चादर के नीचे आराम फरमा है। सैयदा हलीमा सादिया फरमाती है जैसे ही मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चांद से चेहरे से, वजुहा के चेहरे अनवर से जब रहमत वाली चादर हटाई, इमामुल अंबिया ने माजागल बसर की आंख मुबारक खोली और हुजूर ने सैयदा हलीमा सादिया को देख के तबस्सुम फरमाया। सैयदा फरमाती हैं जब इमामुल अंबिया ने तबस्सुम फरमाया, मेरी आंख ने देखा हुजूर अली सलातो सलाम के नीचे वाले लम मुबारक से एक नूर मुबारक जाहिर हुआ जो आसमान की तरफ बुलंद होता चला गया। अल्लाह ने, मैंने देखा, रब्बुल आलमीन ने सारी कायनात को उस वक्त मुनव्वर फरमा दिया, रोशन फरमा दिया, फल फूल मुस्कुराने लगे, सारी जन्नत मुस्कुराने लगी। सैयद अलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला ने आवाज लगा दिया, आमना, मैंने बनू तमीम के बच्चे देखे, बनू साद के बच्चे देखे, बनू कुरैश के बच्चे देखे, अरब अजम के बच्चे देखे हैं, लेकिन मालिक कायनात की कसम है आज तक मेरी नजरों ने इतना हसीन नहीं देखा। सैयद आमना फरमाती है मैंने भी नहीं देखा, अल्लाह ने जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को भेज दिया, सरदारे मक्का आ गए, आके कहने लगे ओ हलीमा ओ आमना, तुमने चंद कबीलों के बच्चे देखे होंगे, चंद इलाकों के बच्चे देखे होंगे, शहर देहातों के बच्चे देखे होंगे, मैं कई मुल्कों में तिजारत के लिए जाया करता हूँ, रब्बे कायनात की कसम है आज तक मेरी नजरों ने इतना हसीन नहीं देखा। रब्बुल आलमीन ने सैयदुल मलाइका जनाबे जिब्राइल अमीन को भेज दिया, हाजिर खिदमत हो गए, आके अर्ज करने लगे आमना हलीमा अब्दुल मुत्तलिब, तुमने चंद कबीलों के बच्चे देखे होंगे, चंद बस्तियों के बच्चे देखे होंगे, चंद मुल्कों शहरों के बच्चे देखे होंगे, मैं नूरी नहीं, मैं नूरियों का सरदार हूँ, मैंने अल्लाह के हर नबी को देखा, हर पैगम्बर को देखा, हर रसूल को देखा, अल्लाह के हर नुमाइंदे को देखा, मैंने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी देखा, इसहाक
इसहाक अली सलातु वसलाम को भी देखा, खलीलुल्लाह को भी देखा, जबीहुल्लाह को भी देखा, नू नजीउल्लाह को भी देखा, मूसा कलीमुल्लाह को भी देखा, ईसा रूहुल्लाह को भी देखा। मैं मशरिक में जाता हूँ, मगरिब में जाता हूँ, शुमाल जुनूब का चक्कर लगाता हूँ, जमीन व आसमान में भी जाया करता हूँ, लेकिन रब्बे कायनात की कसम है आज तक मेरी नजरों ने इमामुल अंबिया जैसा हसीन नहीं देखा। इरशाद खुदाबंदी हुआ, मैं परवरदिगार आलम अपने महबूब की सनाखानी बयान फरमाऊंगा, तारीफ बयान फरमाऊंगा। आमना हलीमा अब्दुल मुत्तलिब जिब्राइल, और मक्का के लोगों और सारी कायनात के लोगों, तुम देख कैसे लेते, मुझे कसम है अपनी किबरियाई की, मैं परवरदिगार आलम ने आज तक अपने महबूब जैसा हसीन पैदा किया ही नहीं। मेरे अल्लाह, तो आप जैसी आला सूरत वाले, आला सीरत वाले, माजागल बसर की आंखों वाले, वजुआ के चेहरे अनवर वाले, वल्लेल के जुलम मुबारक वाले, अलम नशरा के सीने मुबारक वाले, अब तो आने शुरू हो गए, अब तो आया करेंगे। फरमाया के नहीं नहीं, सारी कायनात में ऐलान कर दो, इस बात की गवाही दे दो, जिस कलम से मैं परवरदिगार आलम ने महबूब अली सलातु वसलाम की सूरत मुबारक को बनाया था, मुझे कसम है अपनी किबरियाई की, मैं परवरदिगार आलम ने महबूब अली सलातु वसलाम को बना के वो कलम ही खत्म फरमा दी। अब कयामत तो कायम हो सकती है, मेरा महबूब बेमिसल बेमिसाल है, दूसरा कोई मेरे महबूब जैसा हो नहीं सकता। जमाने जाहिलियत में लोग मां का अदब ना करते थे, अब्बा का अदब ना करते थे, बहू बेटी धी का बेटी का अदब ना करते थे। हुजूर अली सलातु वसलाम की जात अकदस ने इंसानियत को इंसान होने का हक दे दिया, फरमाया अम्मा के कदमों में जन्नत है, अब्बा जन्नत का दरवाजा है, जिस घर में बहू बेटी कोई नहीं वो घर दुनिया से भी खाली है और अल्लाह की रहमत से भी खाली है। जिस घर में बहू बेटी ना हो बरकतें नहीं होती, रहमतें नहीं होती, जिस घर में बहू बेटी ना हो उस घर में माल नहीं होता, दौलत नहीं होती, वो घर खाली खाली नजर आता है। जमाने जाहिलियत में लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया करते थे, लेकिन मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाते अकदस ने बेटियों को तालीम दे दी, फरमा दिया कि बेटियां जिंदा दरगोर करने वाली शय नहीं, और ये तो जिगर का टुकड़ा है। अल्फातिमा तु बिज़ातु मिन्नी औ कमा कॉल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फरमाया लोगो खातून जन्नत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा है। हर बेटी अपने बाप के जिगर का टुकड़ा है, अदब वाली शय है, एहतराम वाली शाय है। जिस घर में बहू बेटी कोई नहीं वो घर अल्लाह की रहमत से खाली है। साहबा फरमाते हैं जब भी खातून जन्नत इमामुल अंबिया के दरबार में तशरीफ लाती, आप क़याम फरमाया करते थे, खड़े हो जाते थे, इस्तकबाल फरमाया करते थे, फरमाते थे लोगो मेरी शहजादी आ गई, मेरी लखते जिगर आ गई, मेरी नूरे नजर आ गई। फातिमा तु बिज़ातु मिन्नी, फातिमा तु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने अपनी बेटियों का भी अदब इहतराम फरमाया, यहाँ तक के काफरा बेटियों का भी अदब इहतराम फरमाया, दुश्मनों की बेटियों का भी अदब इहतराम फरमाया। दरबारे रिसालत है, जंगी कैदी काफरा, खूबसूरत भी है, हसीन भी है, जवान भी है, दुश्मन भी बन के आई है, काफिर भी है, लेकिन दरबारे रिसालत में जंगी कैदी बन के आई बैठी है। इमामुल अंबिया की निगाहें नबूवत पड़ गई, हुजूर ने फरमा दिया बिलाल जल्दी कर, गजब हो गया, मुहम्मद रसूलुल्लाह का दरबार है, एक बेटी नंगे सर बैठी है, जल्दी कर इसको पर्दा करा दे, इसके सर पर रहमत वाली चादर डाल दे। साहबा ने अर्ज कर दिया मेरे आका ये हमारी बेटी नहीं, ये तो काफिर की बेटी है, दीन की दुश्मन है, इस्लाम की दुश्मन है, कुरान की दुश्मन है, साहबा की दुश्मन बन के आई है। हुजूर ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए भी तो मजबूरी है, मैं रहमतुल आलमीन की चादर ओढ़ के आया हूं, जल्दी कर यह दरबार रिसालत है, अगर ये काफिर की बेटी अपने बाप काफिर के दरबार में भी उसे पूछ के फैसला करना चाहते हो मुझे बाहिफाजत मेरे घर पहुंचा दो। हुजूर ने
दो। मुसलमान साहब को बुलाया, फरमाया जाओ मेरी बेटी को भाई हिफाजत छोड़ के आओ। बेट काफरा बेटी घर पहुंची है, सामने भाई खड़ा है, कहने लगा खबरदार वापस चली जा, मुसलमानों के यहां रात गुजार के आई है। बहन कहने लगी जुबान दराजी ना कर, बेअदबी ना कर, गुस्ताखी ना कर, मैंने दरबारी सालत देखा है, मैंने इमामुल अंबिया का दीदार किया है, मैंने वजूआ की चेहरे अनवर का दीदार किया है, अलम नशरा के सीने मुबारक का दीदार किया है। या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर, की रामत वाली चादर से पर्दा करके आई हूँ। और मेरे सगे माँ जाए भाई, और तूने मेरा कभी इतना अदब ना किया, अब्बा ने अदब ना किया, काफरों ने अदब ना किया, यहूदियों ने अदब ना किया, जितना मुसलमानों ने अदब एहतराम करके दिखाया। और देख ले मेरे बदन को इज्जत मिली, मेरे रिश्ते को इज्जत मिली है, हुजूर अली सलातु वसलाम ने मेरा अदब किया है, मुझे पर्दा कराया। आज मुझे पता चला औरत का कितना बड़ा मकाम है, इंसान का कितना बड़ा मकाम है। तुमने मुझे कभी अदब ना किया, हमारा हिफाजत ना की, हमें पर्दा का करीना ना सिखाया। ये तो दरबारी साल से मैं अदब सीख के आई हूँ, एहतराम सीख के आई हूँ। और आका मौला मदीने वाली सरकार ने मेरा अदब किया, मेरा एहतराम किया, मेरे बदन पे चादर डाल दी, मुझे पर्दा सिखा दिया। आज मैं शान वाली बन गई, अजमतों वाली बन गई, मुकद्दरों वाली बन गई। और मेरे सगे माँ जाए भाई, तूने कभी भी मेरा इतना अदब ना किया, मेरी हिफाजत ना की। और जितने मुसलमानों ने करके दिखाई है, रात भी आई, अंधेरा भी आया, बियाबान जंगल भी आया, और तन्हाई भी आई, मौका भी मिला। मैं इन दोनों मुसलमान साहबा की तरफ देखती थी, रब्बे कायनात की कसम है, इमामुल अंबिया की तालीमात को अब समझी हूँ। हुजूर ने फरमाया था बाहिफाजत मेरी बेटी को छोड़ के आओ। इन दोनों मुसलमानों ने अपनी नजरों की भी हिफाजत की, मेरी भी हिफाजत करके दिखाई है। आंख के किनारों से भी मेरी तरफ नहीं देखा, मेरी बेअदबी न की, गुस्ताखी न की, इसने इन्होंने मेरी भी हिफाजत की है, अपनी नजरों की भी हिफाजत की है। भाई कहने लगा फिर इस्लाम कबूल किया कि नहीं, कहने लगी अकेली जन्नत में नहीं जाऊंगी, अपने भाई को भी साथ लेके जाऊंगी। दरबारी सालत में अपने भाई को लेके आई है, आके रस करने लगी मेरे आका अल्लाह के लिए मुझसे गलती हो गई थी, मैं ऐलान करती हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله। और सामने खड़ियों के सनाखानी करने लगी, मेरे आका अगर मेरे बस में हो चांद लाके आपके कदमों पे कुर्बान कर दो, सूरज कुर्बान कर दो, सितारे कुर्बान कर दो, अपना कबीला लाके आपके कदमों पे कुर्बान कर दो। सामने खड़ियों के सनाखानी करती है, हरस करती है मेरे आका तेरे चेहरे पे फिदा शम्सु कमर, तेरे चेहरे पे फिदा शम्सु कमर, तेरी जुल्फों पे तसद्दुक शाम सहर, रुखसार पे ठहरे किसकी नजर, तेरी प्यारी अदा का क्या कहना, वल्लासर तेरे जमाने की कसम, अलम नशरा तेरे सीने की कसम, वल बलद तेरे वतन की कसम, तेरी रहने की जाकर क्या कहना, और बुर्राक थके जिब्राइल रहे, जिब्राइल भी आगे जा न सके, रब उदनो हबीबी मिन्नी कहे, तेरे कुर्ब खुदा का क्या कहना। इसलिए अल्लाह का कुरान आ गया, महबूब अली सलातु वसलाम बड़े हरीस हो, बड़ी तबीयत में तमा गई। मेरे अल्लाह 8 किलोमीटर का पहाड़ ओहद का पहाड़ है, इरशाद खुदाबंदी हुआ महबूब अली सलातु वसलाम अगर चाहो इसे सोने का बना दूं, आपके साथ साथ चला फिरा करे, जहां चाहे जितना चाहे दुनिया खर्च करें। लेकिन हुजूर अली सलातु वसलाम ने अर्ज कर दिया मेरे अल्लाह मुझे तमा वाला क्यों फरमाया, नबूवत का सिलसिला तो पाकीजा होता है, नबूवत में तमा नहीं होता, लालच नहीं होता। फरमाया क्यों नहीं, दुनिया वाला लालच नहीं, तहज्जुद में भी, फजर में भी, जोहर में भी, असर में भी, ईशा में भी, हर वक्त दुआ हो रही है, रब्बी हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा गफिर ली उम्मती, परवरदिगारे आलम मेरी गुनाहगार से आकार उम्मत को माफ फरमा देना। لقد جاءكم رسول من أنفسكم
انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عرض کر دیا میرے اللہ جب رحمت والی چادر اڑا کے بھیج دیا پھر امت کے لیے غم زدہ کیسے نہ ہو, دعائیں کیسے نہ کروں, التجائے کیسے نہ کروں. امام الانبیاء کی وفا دیکھو, امام الانبیاء ہر نماز میں ہر وقت امت کو یاد فرما رہی ہیں, دعائیں ہو رہی ہیں. ربی حب لی امتی اللہم اغفر لی امتی, پروردگار عالم میری گناہگار سیاکار امت کو معاف فرما دینا. تو اس لیے فرمایا کہ امام الانبیاء کی وفا دیکھو, اپنی جفا دیکھو. ہم اپنی شکلیں حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق پسند نہیں کرتے, نبی کی صورت مبارکہ کو پسند نہیں کرتے, صحابہ کی صورت مبارکہ کو پسند نہیں کرتے. من احیا سنتی عند فساد امتی فلہو اجر مئات شہید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ امام الانبیاء کی ایک ایک سنت مبارکہ کا ادا کا کتنا زیادہ ثواب ہے. فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ کو زندہ کرے گا, اللہ پاک نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیں گے. کھانا سنت کے مطابق ہو, پینا سنت کے مطابق ہو, لباس سنت کے مطابق ہو, شادی سنت کے مطابق ہو, جینا سنت کے مطابق ہو, مرنا سنت کے مطابق ہو, شکل سنت کے مطابق ہو. ایک اقبال اللہ کا ذکر بیان کرتا ہے, قبر میں جائیں گے فرشتے دیکھ کے کہیں گے شکل سے امام الانبیاء کو امتی معلوم ہوتا ہے, اللہ پاک اسی پہ ہی نجات کا فیصلہ فرما دیں گے. تو میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی, زندگی باقی تو ملاقات باقی. میں لمبا سفر کر کے آیا اور بغیر کچھ کھلائے پلائے, کسائی بھی پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں, مجھے تو ویسے ہی ذبح کر دیا. تو میں بغیر کچھ کھلائے پلائے کوٹلی بھاگا کے لوگوں نے سیدھا ہی مجھے یہاں لے آئے, یہ نہیں پوچھا چائے پیو گے. ماشاء اللہ بڑے اچھے لوگ ہیں. بہرحال خطبات ملتانی میرے ابا جی غنیم صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس میں سوان عمری زندگی کے حالات ہیں کہ آپ دیکھیں کہ سچا عاشق رسول قاری حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے مدنی کریم نابینا ہونے کے باوجود اتنا بڑا علم حاصل کیا. خطیب اعظم, آج کل تو جاہل مولوی پھرتے ہیں نا, تو ابا جی رحمت اللہ علیہ نے 2 مرتبہ دور حدیث کیا, یعنی ڈبل ایم اے کی ہوئی تھی. اپنی معذوری کو نہیں دیکھا, یوں ہی اتنا بڑا نام پیدا نہیں ہو گیا. اور بڑے بڑے شیخ التفسیر مولانا غلام اللہ خان صاحب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے علماء کے پاس جا کے تفسیر مبارکہ پڑھی ہے, تب اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے. تو تاکہ ہمارے اندر بھی ایک محبت پیدا ہو اور حضور کی سچی غلامی تابے داری, یہی وجہ ہے کہ قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اس قسم کے جو علماء دنیا سے رخصت ہوئے سب کی عمریں 63 سال ہیں. میرے ابا جی کی عمر بھی 63 سال تھی. کیوں؟ ساری زندگی سنت کے مطابق زندگی گزاری, تو اللہ نے عمر مبارک بھی 63 سال عطا فرمائی. زندگی باقی تو ملاقات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.